गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित असमोली गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान सर्वेश सिंह हैं। लगभग 9000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। लगभग 4500 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। गाँव में लगभग 1465 राशन कार्ड धारक है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 850 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 67 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 10 हैंडपंप सरकार से और लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर, 32 सोलर लाइटें भी गाँव में लगवाई गई है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 8 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्कूल में शौचालय व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, बारात घर, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 500 शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 315 आवासों का भी निर्माण कराने की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं सर्वेश कुमार यादव ग्राम पंचायत असमोली का प्रधान हूँ इस टाइम मौजूदा स्थिति में, और मैंने गांव में जब से प्रधान बना हूँ जब से लगभग 50 सड़कें बनवा चुका हूँ स्टाइल्स की, और 2-4 सड़क जो है भट्टे वाली ईंटों की बनवाई हैं, जिससे गांव में विकास हुआ है, गांव में गंदगी दूर हुई है, सफाई कार्य भी गाँव में कराए हैं, स्कूल में भी टाइल्स लगवाई हैं, बाथरूम बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं, ये सभी काम मैंने इसमें कराए हैं। जो काम जो है 10 साल में प्रधान नहीं कर पाए, 10 साल की उसमें टाइम में भी वो काम मैंने जो है 2.5 साल में करके अपने टाइम में दिखाया है। इससे मेरी गांव की जनता संतुष्ट है, और मैं आगे को आने वाले टाइम में भी जो है अगर सरकार ने मेरे गाँव के अनुसार जितनी बड़ा मेरी गाँव की पंचायत है इस हिसाब से अगर मेरे गांव में पैसा दिया तो मैं जो है सारे गांव के अंदर पूर्ण तरह से विकास कार्य जो है करा सकता हूं। जो है अगर प्रधान को खाते में पैसा आए तो जब ही तो काम होगा, जो है बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता, पैसे से ही काम, सब काम पैसे से ही होते हैं जो है। और मेरा एक सरकार से एक अनुरोध है कि जो ग्राम प्रधानों को जो है मानदेय 3500 रुपये जो मिल रहा है, 3500 रुपये तो फोर्थ क्लास के जो है कर्मचारी को भी नहीं मिलता, जिससे या तो ये 3500 रुपये ख़त्म कर दिए जाए हमारे, और हमारा न्यूनतम वेतन जो है वो लागू करा जाए, और पेंशन भी लागू करी जाए हमारी, और गोलियों से जो है प्रधानों को भून दिया जाता है। इसके लिए मैं मांग करूँगा अपनी तरफ से कम 25 लाख रुपया जो है प्रधान को मृतक के आश्रितों को 25 लाख रुपया जो है वो मिलना चाहिए। जो है सब विधायक एमपीओ को जो है सम्मान दे, मतलब तनख्वाह मिलती है, मानदेय मिलता है, और पेंशन भी उनकी आजीवन पेंशन, आवास, सब चीज़ मिलती है। इस तरीके से जो है प्रधानों को भी कुछ ना कुछ धनराशि जो है ज़रूर तनख्वाह के रूप में मिलनी चाहिए। जो है मैं ग्राम प्रधान संघ ब्लॉक का अध्यक्ष भी रहा हूँ पिछले बार में जो है पीछे, अब जो है मुकेश शर्मा जो है इस गाँव के इस ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे जो है असमोली के, तो मैं जो है अखिल भारतीय प्रधान संघ की तरफ से प्रधान संघ से जुड़ा हुआ हूं, और राष्ट्र अध्यक्ष जी का अपने अध्यक्ष जी का जो है मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो उन्होंने ये चैनल निकाला, और तमाम देश में तमाम प्रदेश में जो है सब जगह ये चैनल की चल रहा है। इस कार्य से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि ये आवाज़ सरकार के कानों में ज़रूर जाएगी, ज़रूर पहुँचेगी जो है, तो सरकार सुने या ना सुने हमें तो जो है ये आवाज़ उठानी है, जो हमें परेशानी है वो तो हमें बतानी पड़ेगी। जो है इसका मैं अपने अखिल भारतीय प्रधान संघ का जो है चैनल का जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो हमारे गांव में आए और हमें जो है बोलने का मौका अपने न्यूज़ चैनल पर दिया गया जो है।